हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर एग्जाम पेपर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम आरआरबी द्वारा 28 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया था। यह फर्स्ट पेपर का पेपर है। इसमें हम मैकेनिकल ब्रांच से पूछे गए मैकेनिकल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर TDS इक्वेशन। आंसर ऑप्शन 2, DU + PdV। DU + PdV एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर TDS इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, PMM1 इज क्लोजली रिलेटेड विथ। आंसर ऑप्शन 1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। परपेचुअल मोशन मशीन 1 इज क्लोजली रिलेटेड विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज। आंसर ऑप्शन 4, 100। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज 100। क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोल इज यूज्ड इन विच साइकिल। आंसर ऑप्शन 1, ऑटो साइकिल। पेट्रोल इज यूज्ड इन ऑटो साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5, आइसोलेटेड सिस्टम इंडिकेट्स। आंसर ऑप्शन 4, बोथ मास एंड एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री। आइसोलेटेड सिस्टम इंडिकेट्स बोथ मास एंड एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 6, हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इन। आंसर ऑप्शन 2, कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इन कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन 1, बॉइलिंग वाटर। ऑप्शन 2, स्टीम। ऑप्शन 3, सॉलिड आइस। ऑप्शन 4, रेन वाटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, सॉलिड आइस। सॉलिड आइस हैव अ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज कैटेगराइज्ड इन। आंसर ऑप्शन 2, गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज कैटेगराइज्ड इन गैस वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9, एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स इन। आंसर ऑप्शन 3, लिक्विड फॉर्म। एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स इन लिक्विड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज कॉल्ड। आंसर ऑप्शन 4, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। आंसर ऑप्शन 2, ड्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स इज। आंसर ऑप्शन 1, रेक एंगल। द एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स इज रेक एंगल। क्वेश्चन नंबर 13, फीड रेट इन मिलिंग ऑपरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। आंसर ऑप्शन 1, mm पर टूथ। फीड रेट इन मिलिंग ऑपरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज mm पर टूथ। क्वेश्चन नंबर 14, द कास्टिंग डिफेक्ट्स विच इज नॉट कॉज्ड बाय द हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मेल्ट्स इज। आंसर ऑप्शन 2, मेटल्स पेनिट्रेशन। द कास्टिंग डिफेक्ट्स विच इज नॉट कॉज्ड बाय द हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मेल्ट्स इज मेटल्स पेनिट्रेशन। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने इस चैनल सब्सक्राइब की नहीं किया है तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।